इन दिनों पेपर लीक का मामला देश का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्र त्रस्त है। पेपर लीक को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच शुक्रवार रात को केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। देर रात केंद्र सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि एंटी पेपर लीक कानून क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 15 काम है जिसे करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। पहला काम है परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर शीट लीक करना। दूसरा है आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर। तीसरा है बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर। चौथा है परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर। पांचवा है किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने पर मदद करने पर। छठा है आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी की स्थिति में। सातवां है बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर। आठवां है किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की अवस्था में। नौवां है किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है। दसवां है परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर। ग्यारहवां है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है। बारहवां है एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सेटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर। तेरहवां है पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर। चौदहवां है पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर। पंद्रहवां और आखिरी है फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी यह सजा हो सकती है। पेपर लीक या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर अपराधियों को क्या सजा होगी, आपको यह भी बताते हैं। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि किसे 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली की जाएगी। साथ ही सेवा प्रदाता को 4 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से भी रोका जा सकता है। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्की जब्ती के अधीन होगी और परीक्षा की अनुपातिक लागत भी उससे वसूली जाएगी। यदि अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या सेवा प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किया गया है तो उन्हें 3 से 10 वर्षों की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। अब सवाल है कि इस कानून के अंदर कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी। तो आपको बता दें कि इसके दायरे में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं जिनका आयोजन सार्वजनिक परीक्षा निकाय करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं भी इसमें शामिल हैं। कानून के दायरे में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के अलावा UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती जैसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं भी शामिल हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार NEET UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The follow-up.in. Like, share,
and subscribe www.thefollowup.in.